अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7 ए एंड बी ज्योग्राफी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ यूरोप। इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट, लोकेशन एंड एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ यूरोप। ओके, आप लोग को वो समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? पॉलिटिकल डिवीजन। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Europe has a beautiful landscape with a fascinating history. It has produced many of the world famous scientists, inventors, artists, composers as well as political entertainers. So ज्यादातर scientists, inventors, artists and composers कहाँ से belong करते हैं? Europe से। For centuries Europe was plagued by wars, but in the last 60 years it has right coming together in peace, unity and fraternity to work for common goods. तो अभी अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग पता चलता है कि यूरोप बहुत सालों तक वॉर में एंगेज था, लेकिन अभी से लास्ट 60 ईयर्स से क्या हो रहा है? वो पीस एंड यूनिटी मेंटेन कर रहा है अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ओके, द ग्रोइंग इंटरनेशनलिज्म ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ EU. What is EU? European Union. European Union is a very interesting concept that you should know when we talk about Europe. अगर हम यूरोप के बारे में बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। It is an economic and political union of 28 countries of Europe. All the members countries agree to avoid war with each other. They all agree to promote social and economic progress. तो इन लोगों ने यूरोप के 28 कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन साइन किया, जिसमें ये लोग एक दूसरे से कभी वॉर नहीं करेंगे और एक दूसरे के सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस को प्रमोट करना है ताकि इन लोग सबका डेवलपमेंट हो। अ माइलस्टोन डिक्लेरेशन वॉज मेड व्हेन अ सिंगल करेंसी यूरो वॉज इंट्रोड्यूस फॉर 19 यूरोपियन यूनियन। तो 19 यूरोपियन यूनियन में एक ही करेंसी चलता है क्या? यूरोप। इन 1999 हाउएवर यूके डिसाइडेड टू लीव यूए ऑन 23 जून 2016। तो हम लोग को ये याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम यूके जो है वो 2016 में 23 जून 2016 में यूरोपियन यूनियन को लीव कर चुका है, छोड़ चुका है। ओके, स्टडी द मैप शोइंग द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ यूरोप एट डिस्प्लेड इन द 7.2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका क्या है, पॉलिटिकल डिवीजन है, यहाँ पे इसके सारे कंट्रीज हैं। ओके, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑल्सो इन द वर्ल्ड। हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। ओके, सिर्फ वो यूरोप के लार्जेस्ट कंट्री नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री, ये आप लोग को याद रखना है। इट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया इन एशिया एज वेल, इसका एक लार्ज एरिया एशिया में भी है। द वेटिकन सिटी इन रोम इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड फुल्ली इंडिपेंडेंट नेशन। और वेटिकन सिटी क्या है? स्मॉलेस्ट सिटी है, कहाँ पे है? रोम में। तो हम लोग को याद रखना, लार्जेस्ट सिटी इज रशिया एंड स्मॉलेस्ट सिटी इज वेटिकन सिटी, ये फुल्ली इंडिपेंडेंट है। अंडरस्टूड? यूरोप इज मेड अप ऑफ सम स्मॉल एंड बिग कंट्रीज। इट हैज सम रिनाउंड सिटीज एंड हिस्टोरिकल कल्चरल इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे देखो, लंदन है, किसका कैपिटल है? यूके का कैपिटल, मॉस्को है, रशिया का कैपिटल, जर्मनी का कैपिटल क्या है? बर्लिन, एंड फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन से कंट्री का क्या कैपिटल है। ये सब इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज एंड सिटीज है। ओके, यूरोप हैज बीन seeing the emergence of new political entities and disappearance of the older ones due to the unification and disintegration of many countries over the past centuries. For example, Germany, which became a nation in the late 19th century, following its unification was divided into East and West Germany. So, मैं थोड़ा explain कर दूँ आप लोगों को कि आपने Second World War के बाद तो अभी जो European map में बहुत सारा changes आया है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री का यूनिफिकेशन वॉर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, जिसमें एक एग्जांपल किसका है? जर्मनी का। इन 1990 द ओल्ड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ जर्मनी वाज रिस्टोर्ड। फिर 1990 में जो पॉलिटिकल जो जर्मनी का जो पॉलिटिकल स्टेटस हुआ उसको फिर से रिस्टोर किया गया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गया था।
and after the East and West Germany were reunited in form a single nation. जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये डिवाइड हो गया था ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में, तो फिर से ये 1990 में फिर से इसको यूनाइट किया गया. अंडरस्टूड? तो ये हो गया. अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सम मेजर ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज. अब यहाँ पे जितना भी कंट्रीज है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया. डिफरेंट नेम्स आर असाइन टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज. सम ऑफ द मेजर ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज आर डिस्कस अहेड. अब यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग नेम है, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. द फर्स्ट वन इज ब्रिटिश आइसल्स. ब्रिटिश आइसल्स किसके बोल रहे हैं, कौन से कंट्रीज को मिलाकर? इंक्लूड द आइलैंड कंट्री ऑफ आयरलैंड एंड ग्रेट ब्रिटेन. आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिलाकर क्या बन रहा है, ब्रिटिश आइसल्स. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पिक्चर्स में. ओके, द नेक्स्ट वन इज लो कंट्रीज. Low countries include countries lying in the low-lying European plain in the north. तो European plain के जो low-lying areas में जो countries है उसको हमने क्या बोल रहे हैं, low countries. Much of the land of this country is either below the sea level or the slightly above it. ये low-lying areas है. Okay? They often face the danger of flood, जहाँ पे flood भी ज्यादा आता है. Also known as Benelux country. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना है किसका नाम Benelux country भी क्यों बोलते हैं. इसमें तीन कंट्री है, कौन कौन सा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग. तो बेल्जियम का स्टार्टिंग का दो अल्फाबेट क्या है, बी ई, और नीदरलैंड का दो अल्फाबेट क्या है, एन ई, और लग्जमबर्ग का एल यू एक्स. तो ये क्या हो गया, Benelux, मतलब बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग. ये आपको याद रखना है कि ये तीन कंट्री मिलकर क्या बन रहा है, लो कंट्रीज बन रहा है. तीनों के नेम का जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है उसको मिलाकर उसको दूसरा नेम दिया गया है. अंडरस्टूड? एंड द नेक्स्ट वन इज नॉर्डिक कंट्रीज. नॉर्डिक कंट्रीज अ टर्म यूज कलेक्टिवली फॉर फाइव कंट्रीज इन नॉर्दर्न यूरोप. नॉर्दर्न यूरोप में फाइव कंट्रीज को मिलाकर क्या बोला जा रहा है, नॉर्डिक कंट्रीज. द फर्स्ट वन इज नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड. ये थर्ड वन हो गया, यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज मेडिटेरेनियन यूरोप. मेडिटेरेनियन यूरोप इज अ टर्म अप्लाइड टू कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी. तो जो मेडिटेरेनियन सी के पास बॉर्डरिंग कंट्रीज में जो कुछ आ रहा है वो मेडिटेरेनियन कंट्रीज हो गया, यूरोप है, मेडिटेरेनियन यूरोप. These countries are Spain, Portugal, Andorra, Italy, Malta, Vatican City, San Marino, British territory of Gibraltar and Greece. So, jitne bhi Mediterranean Sea ke paas jo countries hai, wo Mediterranean to Europe ho gaya. Understood? And the next one is Balkan states. Balkan states mein kya kya include hai? The Balkan states comprises the countries lying to the southeast. नियर द कोस्ट ऑफ ब्लैक सी. और ब्लैक सी के एरिया के पास जो कंट्रीज है कौन से स्टेट हो गया, बल्कान स्टेट. और इसमें कौन कौन से स्टेट इंक्लूड है, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोशिया, मैसेडोनिया, बल्गेरिया, रोमानिया एंड अल्बानिया. ये सारे स्टेट कौन सा स्टेट हो गया, बल्कान स्टेट. तो कौन से सी के पास है, ये ब्लैक सी. तो आपको याद रखना है कि मेडिटेरेनियन सी के पास जो कंट्री है वो मेडिटेरेनियन यूरोप है, और बल्कान स्टेट कहाँ पे, ब्लैक सी के पास है. इसके नीचे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज है, ये यूरोप के सारे कंट्रीज है, उसके सामने उसका कैपिटल है. तो ये आप लोग को लिखना है और फिर इसे लर्न भी करना है. अंडरस्टूड? एंड द नेक्स्ट वन देखो, ये 35 कंट्रीज हो गया, सबके कैपिटल आप लोग को लिखना है. द नेक्स्ट वन इज फॉर्मर युगोस्लाविया एंड चेकोस्लोवाकिया. तो युगोस्लाविया एंड चेकोस्लोवाकिया न्यूली फॉर्म्ड कंट्रीज दैट ब्रोक अवे फ्रॉम द फॉर्मर युगोस्लाविया. हम लोग को पता है कि पहले युगोस्लाविया एक कंट्री था, वो अब ब्रोकन, वो टूट गया, ब्रोकअप वो हो गया और इसमें कन्वर्ट हो गया वो स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो. तो ये टूट गया युगोस्लाविया जो है वो टूट के इतने सारे कंट्री में बढ़ गया है. फिर दूसरे के चेकोस्लोवाकिया वॉज स्प्लिट इन टू टू कंट्रीज. पहले जो अगर हम लोग पढ़ते हैं पहले का हिस्ट्री तो हम लोग पहले चलते पहले क्या था, चेकोस्लोवाकिया था, वो अब टूट के क्या बन गया, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया. दो अलग अलग ये हो गया है. ठीक है,
The next one is independent republics and Baltic states. Independent republics of European Russia include Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova and Russia. ये सारे countries क्या हो गए independent republics है. Okay, और इसमें जो starting का theme है, that the first three nations are also known as Baltic countries, as they lies along the Baltic coast. क्योंकि ये Baltic coast के पास है, तो इसको हम लोग starting का जो तीन country है इसको Baltic states भी बोलते हैं. तो इस तरह यूरोप के कंट्रीज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि समझने में ज्यादा इजी होगा. तो ये इसका ओवरऑल पॉलिटिकल डिवीजन है जो आप लोगों को समझ में आया होगा. अंडरस्टूड. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द फिजिकल फीचर ऑफ यूरोप. पेज नंबर 81 में जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कंट्रीज ऑफ यूरोप है, राइट. तो ये कंट्रीज ऑफ यूरोप के लिए मैंने एक वीडियो ऐड किया है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको समझ में आ जाए कि वो नेम को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, और इसके साथ साथ कौन से कंट्री कहाँ पे है वो भी आपको इंटरेस्टिंग वे में अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो उसको आप लोग देखिएगा. और यहाँ पे जो कंट्रीज़ का नेम है, वो कंट्रीज़ का नेम और उसके सामने कैपिटल, ये आप लोग को कॉपी में लिखना है, ओके. और फिर इसे लर्न भी करना है. Countries of Europe: Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Spain, Portugal, United Kingdom, Ireland, Iceland, Norway, Denmark, Sweden, Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, Czech Republic, Austria, Liechtenstein, Switzerland, Italy, Slovenia, Russia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Albania, Greece, Macedonia, Serbia, Hungary, Slovakia, Ukraine, Moldova, Romania, Bulgaria, Turkey, Cyprus, Malta, Vatican City, San Marino, Monaco, Andorra, finally completed. These are the countries of Europe.